हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल LS एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ यूनिक सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो हम जो बनाने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें। तो फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जो बनाने वाले हैं, क्या चीज़ बनाने वाले हैं, यानी कि आज हम पानी के ऊपर कोई वस्तु तैराने वाले हैं। पानी के ऊपर कोई, फ्रेंड्स, पानी के ऊपर कोई वस्तु तैराने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम पानी के ऊपर कोई भी वस्तु तैराएंगे। क्या वो काम करेगी? अब आप बोल रहे हो सर नाव तैरा देंगे, नहीं लकड़ी तैरा देंगे, बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डूब जाती है और बहुत सारी चीज़ें तैरने लग जाती हैं। तो थोड़ा बेसिक फंडा मैं आपको बता दूं कि ये होता क्यों है कि पानी के ऊपर जो चीज़ें हो जाती हैं वो तैरती क्यों और डूबती क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि ये घनत्व के कारण होता है, ये कक्षा 9वीं और 10वीं में हमने पढ़ा है। तो ये क्या होता है, अगर जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है वो पानी के अंदर डूब जाता है, और जिस वस्तु का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, वो वस्तु क्या हो जाती है, पानी की सतह पर तैरने लग जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं डेड सी, यानी कि मृत सागर। फ्रेंड्स, मृत सागर बनाने वाले हैं हम। इतना बड़ा नहीं बनाने वाले, हम छोटा सा एक मृत सागर बनाएंगे और उसकी डेंसिटी को हम बढ़ा देंगे, यानी कि उसकी घनत्व को बढ़ा देंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जो मृत सागर होता है, मृत सागर पर अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर जाता है पानी के अंदर, तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो तैरने लग जाता है। क्यों तैरने लग जाता है हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको मृत सागर के बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं। जो मृत सागर है, ये इज़राइल, जॉर्डन और फिलिस्तान के बीच में एक खारे पानी की झील है, जो कम से कम 65 किलोमीटर लंबी है। फ्रेंड्स, 65 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 8 किलोमीटर है, और इसकी जो गहराई है, जो हमारे जो सामान्य जो समुद्र होते हैं, जो महासागर होते हैं, उससे 400 मीटर अधिक गहरा पाया जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मृत सागर का ही है, आप सोच सकते हैं। और इसके अंदर जो खारा पानी होता है, जो आम समुद्र होते हैं उससे कम 6 से 7 गुना ज़्यादा खारा पानी होता है, और इसको हम खा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे इसके अंदर ब्रोमीन होता है, अब ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, आयोडीन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन ये हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन ये हमारे त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। बहुत सारे त्वचा रोग जैसे चर्म रोग हुए हैं, इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। वहाँ लोग जब जाते हैं तो उस कीचड़ में नहाते हैं भी है, और धूप में बैठते हैं, जिस कारण से बहुत सारे चर्म रोग उससे ठीक हो जाते हैं। स्क्रीन वाले जो भी रोग होते हैं वो सारे वहाँ से ठीक होते हैं। तो आज हम वही डेड सी यहाँ पर बनाने वाले हैं। क्या होता है डेड सी, मैंने आपको पूरे में बता दिया है कि डेड सी क्या है, ठीक है। और जो मृत सागर हैं, ये मृत सागर में वहाँ पर सारे वस्तुएं तैरने लग जाती हैं, वो इस वजह से तैरने लग जाती हैं क्योंकि उसका पानी इतना खारा होने की वजह से पानी बिल्कुल क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है, यानी कि जो घनत्व है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है और वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी का ही घनत्व ज़्यादा है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तो पानी का ही घनत्व ज़्यादा है, तो यहाँ पर जितनी भी सारी वस्तु होती हैं उन सबका घनत्व बिल्कुल कम हो जाता है, और सारी वस्तु क्या होने लग जाती है, तैरने लग जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि क्या एक हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर मृत सागर छोटे से पात्र में, और एक छोटा सा एक और पात्र लेंगे जिसमें साधारण पानी, और इसमें हम नमक डालेंगे दूसरे उस वाले में, और हम देखेंगे कि इस नमक वाले पानी में जो खारा पानी होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ाकर उसके अंदर चीज़ें क्या तैरने लग जाती है। तो ये वीडियो हम अभी देखेंगे, तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
ये मैंने दो पात्र लिए हैं फ्रेंड्स, पारदर्शी पात्र हैं जिसके आर पार पूरा का पूरा दिखता है। ये दो लिए हैं मैंने क्योंकि एक में अपन नमक वाला बनाएंगे तो एक में हम साधारण पानी लेंगे, और एक मैंने नमक की थैली ली है क्योंकि जब डेड सी बना रहे हैं अपन तो जाहिर सी बात है उसका पानी तो खारा करना पड़ेगा अपन को। और इसके लिए मैं दो नींबू ले रहा हूँ, ये दोनों नींबू उसमें पानी में डालेंगे, देखते हैं कि ये नींबू डूबते हैं या फिर तैरते हैं। दो पात्र ले लिए मैंने और इसमें मैंने पानी भरूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। ये दोनों पात्र मैंने पानी से पूरे भर ही दिए हैं, इसका लेवल देख सकते हैं आप, बराबर है लेवल पूरा। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर दोनों नींबू जब डालेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों नींबू दोनों पानी के अंदर डूब जाएंगे। देख सकते हैं, दिख रहा होगा ये जो नींबू हैं ये दोनों पानी के अंदर डूब चुके हैं, यानी कि अभी जो नींबू का घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है, जिस वजह से नींबू अंदर की ओर पूरे पूरे डूब गए हैं। देख सकते हैं आप पूरे। अब मैं क्या करूँगा, नींबू निकाल कर एक पात्र में नमक घोलेंगे और एक पात्र में हम वैसा के वैसा जो पानी अभी भरा है वैसा ही रखेंगे। ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, ये कम से कम मैंने 500 ग्राम के आसपास इसमें नमक डाल ही दिया है। ये नमक इसमें घुल जाए इसके लिए मैं हिला रहा हूँ, और इसमें से पता नहीं धुआं भी निकलने लग गया था। आप कमेंट करके बताएं कि ये धुआं किस वजह से निकल रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों पात्र में नींबू डालूँगा, तो इसमें भी मैं नींबू डालूँगा साधारण पानी में, बिल्कुल ये डूब चुका है साधारण पानी में नींबू, देख सकते हैं आप। और इस वाले खारे पानी में जब डालूँगा तो ये खारे पानी में नींबू डूबा ही नहीं है, देखिए फ्रेंड्स ये तैर रहा है। अब मैं इसको लाख कोशिश कर रहा हूँ डुबाने की लेकिन ये अंदर नहीं डूब रहा है, दिख रहा होगा आपको इसमें भी डूब चुका है, और इसमें जो दिख रहा है ये मैं इसको चम्मच की सहायता से इसको डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये डूब ही नहीं रहा है, बार बार इसको ऊपर आ रहा है, यानी कि अब जो इसका जो डेंसिटी है इस पानी की बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ पर नींबू का घनत्व बहुत कम हो चुका है। मैं मूंगफली के दाने लेके आया हूँ और साधारण पानी में डालें तो वापस इसमें डूब चुका है, और दूसरे वाले में जब मैं इसमें ये बनाया हमने डेड सी एक नमूना, तो इसमें देख सकते हैं आप वापस से तैर रहे हैं। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि डेड सी में हर एक वस्तु तैरती हैं, क्यों तैरती हैं, क्योंकि हर वस्तु का घनत्व कम हो जाता है, सारी वस्तु वहाँ पर तैरने लग जाती हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक नमूने में डेड सी के नमूने में नींबू और मूंगफली के दाने तैर रहे हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियो आगे बनाने वाले हैं, जैसे हमें नमक अभी घोला ही है तो नमक को हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे संतृप्त और असंतृप्त विलयन बना सकते हैं, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है इसी नमक के पानी से हम वाष्पीकरण करके शुद्ध नमक प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियो बन सकती हैं अभी फ्रेंड्स। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, फिर बोल रहा हूँ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो, आने वाला जो समय होगा यानी कि आने वाला जो वीडियो हम बहुत शानदार वीडियो बनाने वाले हैं।